हैदराबाद, सिंघम के सम्मान में जुटी जनता। हैदराबाद एनकाउंटर के बाद बजे ढोल नगाड़े। मुरादाबाद एनकाउंटर के समर्थन में जश्न। संसद भवन, कई महिला सांसदों का एनकाउंटर को समर्थन। जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है, अगर जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही अच्छा बात है जो एनकाउंटर गोली चला दिया है महिला के लिए। अपराधियों लोग सोचेंगे तो इसको आज का दिन याद आए। दिशा के तरिंदों से इंसाफ पर देश में जश्न। मैं बहुत खुश हूँ। मैं हैदराबाद पुलिस को धन्यवाद देती हूँ। ऐसे रेपिस्टों के साथ यही होना ही चाहिए। उनके लिए न कोई कानून बनना चाहिए, न कोई सुनवाई होनी चाहिए। हमारे कंट्री में भी ऐसा होना चाहिए जैसे अरब वगैरह में है, देखते ही आंखें निकाल दे। ऑन द स्पॉट वहीं पर उन्हें तुम गोली मार के खत्म करना चाहिए। एनकाउंटर सही या गलत, क्या है देश का मत? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, देखिए इन पेचीदगियों में लोग उलझना ही नहीं चाहते। हैदराबाद में जो हुआ सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये है नेशनल सेंटिमेंट। ये है लोगों की भावनाएं जो उमड़ रही हैं आज। आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लोगों में जबरदस्त उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है, और लोगों की एक ही मांग थी, जो बलात्कार के दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और जैसे ही आज ये खबर मिली कि हैदराबाद में दिशा बलात्कार कांड के आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसके बाद खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम लगातार आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद की, किस तरह से पुलिस वालों का अभिवादन कर रहे हैं वहां पर लोग। उन्हें कंधे पर बिठाया जा रहा है, कोई उन्हें राखी बांध रहा है, कोई उनके चरण स्पर्श कर रहा है, कोई मिठाइयां बांट रहा है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं पुलिस की किस तरह से वाहवाही हो रही है। और दो दिन पहले की तस्वीर याद कीजिए, किस तरह से पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था, सवालों के घेरे में थी पुलिस। लेकिन आज पुलिस को लेकर जो रवैया है लोगों का वो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि पुलिस ने ये कदम उठाया कि वो चार अपराधी जो वहां पर, पुलिस उनसे कह रही थी कि आप सरेंडर कीजिए, लेकिन वो पुलिस की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब क्राइम सीन पर वहां पर उन्हें ले जाया गया तो वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की, और जब पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर कीजिए तो उन्होंने उल्टा पुलिस पर ही गोलियां चलाने की कोशिश की। और पुलिस का कहना है कि सेल्फ डिफेंस में उनकी ओर से गोलियां चलाई गई। तो पुलिस की ओर से प्रेस ब्रीफिंग की गई, क्या क्या जानकारी पुलिस की ओर से दी गई थी, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। और इंटरोगेशन करते हुए कैसे ऑफेंस हुआ कलेक्ट करने के बाद, विक्टिम का सेल फोन, डाटा बैंक और उनका वॉच को रिकवर करने का जरूरत था। इनके लिए हम लोग, ये लोग बताए कि हम लोग जो ऑफेंस हुआ बर्न किया उसी के प्लेस में हम लोग रखे हैं, उसको हम लोग वहाँ पे हाई करके दिखाने के लिए पार्टी को यहाँ पे लेके आया। हमारा पुलिस पार्टी आज सुबह यहाँ पे 5:45 को आ गए। सो आने के बाद ये लोग चारों इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद स्टोन से, लकड़ी से और शार्प ऑब्जेक्ट से उनको हमको अटैक करने स्टार्ट किया, और हमारा जो दो पुलिस ऑफिसर से भी वेपन्स खींच लिया। सो हमारा ऑफिसर्स बहुत रिस्ट्रेंट करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए बताया, बट वो लोग सरेंडर नहीं किया, हमारे ऊपर फायरिंग भी किया, अटैक भी करे। सो बाद में हमारे लोग भी वो फायरिंग करना पड़ा। इन रिटेलिएशन के बाद हम बाद में चेक करें तो फायरिंग स्टॉप होने के बाद चेक करें तो चार लोग बुलेट इंजरीज के साथ मर गए थे। ये लोग, दो लोगों के पास हमारा वेपन्स भी दिखे, A1 मोहम्मद के पास। और तो आप देख रहे हैं इस वक्त ही हमारा न्यूज रूम है और सभी यहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं। ये पूरा दिखाइए आप किस तरह से हमारा पूरा न्यूज रूम यहाँ पर ऑपरेट करता है।
और ये चर्चा हम लगातार पिछले कई दिनों से यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो यहाँ पर पुरुष सहयोगी हैं उनके साथ भी और जो महिला सहयोगी हैं, रोज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि देश में किस तरह से हालात बदल गए हैं और जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो कानून व्यवस्था है, उस पर से किस तरह से लोगों का जो भरोसा है वो उठता जा रहा है। देखिए, जो दिशा के साथ हुआ वो हमारे किसी के साथ भी हो सकता है, ये चिंता जो है वो पूरे देश की है और जो सवाल है वो पूरे देश का है। तो ये जो हमारी सारी महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं, इनके मन की बात भी आज आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वो क्या सोचती हैं पुलिस के एनकाउंटर को लेकर और जिस तरह से ये जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो देश में बढ़ती जा रही है। निवृत्ति, मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही आपने सुबह ये खबर सुनी कि 4 जो आरोपी हैं वो ढेर कर दिए गए पुलिस एनकाउंटर में, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि ये हिस्टोरिकल है और मैंने अपने ऑफिस के ग्रुप पे सबसे पहला मैसेज यही डाला कि ये हिस्टोरिकल है। एक महिला होने के नाते मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी एक वकील फ्रेंड है महिला, उसने मुझे मैसेज किया, एक आर्टिकल दिया मुझे जिसमें ये खबर थी और साथ ही लिखा कि बेस्ट थिंग टू हैपन। तो वो एक ऐसी लड़की है जो कानून के बीच में रहती है दिन रात, लेकिन बावजूद उसके उसने सही गलत ना बोलते हुए ये लिखा मुझे कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन्ड इन दिस केस। तो ये महिलाओं के अंदर की बात है और मुझे लगता है अगर मैं अपने पेशे को अलग रखूं या कानून को अलग रखूं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छी चीज़ शायद नहीं हो सकती थी। लेकिन ये ज़रूर ये सवाल होता है मन में कि ये जब जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये अदालत के ज़रिए होना चाहिए था, न्यायिक प्रक्रिया के ज़रिए होना चाहिए था। त्रिणा, एक महिला होने के नाते ये आपके मन में आपके सवाल आता है कि जो दिशा के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता था, वो आपके परिवार में किसी के साथ हो सकता है कल को, तो ये चिंता आपको लगती है? और जो न्यायिक प्रणाली है, आपको लगता है कि लोगों का भरोसा उस पर से उठता जा रहा है? लोगों से जो आपकी बात होती है क्या होती है? मैं एक बात बोलूँगी मैम, आज मुझे लगता है कि 6 दिसंबर नहीं, आज 26 जनवरी है, जिस दिन हमने खुद को संविधान दिया था, उसी संविधान में एक शब्द है जस्टिस। आज जस्टिस हम देख रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। एक और शब्द का जिक्र करूंगी, डेटरेंट। डेटरेंट मतलब अ थिंग दैट डिस्करेजेस और इज इंटेंटेड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। आज वो डेटरेंट ये नज़ीर साबित होगा, ये एग्जांपल साबित करेगा। इसलिए आज मुझे घर जाते हुए डर थोड़ा कम लगेगा, आज अकेले जाते हुए मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ, अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उनके साथ भी ऐसा होगा। चलिए चलिए, पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, ये जो डेटरेंट की बात की जा रही है, आपको लगता है ये जो शॉर्टकट इंसाफ हमने देखा आज होते हुए, ये वाकई दरिंदों में अब आगे खौफ होगा? अब भले ही उन्हें ये लगता हो कि अदालत में तो देखिए सालों साल अटकता रहता है मामला, लेकिन ऐसा कुछ किया तो ये खौफ भी तो जरूरी है ना? ये खौफ होगा। और सबसे बड़ी चीज ये है मीमान साहब, सुबह से दिखा रहे हैं 3 तस्वीरें हैं। एक उन्नाव की लड़की है जो 90% जली हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, बचेगी नहीं कुछ कह नहीं सकते। निर्भया की माँ है जो 7 साल से लड़ाई लड़ रही है, और एक तरफ ये लड़की है जिसके साथ नवंबर के महीने में ये हादसा हुआ और आज 6 दिसंबर है। आप तीनों तस्वीरों को अगर एनालाइज कीजिए तो आपका मन क्या कहता है, इंसाफ किसके साथ हुआ? उसके साथ जो 7 साल से कोर्ट में लड़ रही है लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि आरोपियों को जो दोषी साबित हो चुके हैं उनको फांसी कब हो जाएगी? उस लड़की को इंसाफ मिला है जो अस्पताल में न्यायिक प्रक्रिया थी, अदालत के जरिए थी, कायदा फॉलो कर रही है। आप निर्भया की माँ से पूछिए, उन्हें कानून की पेचीदगियां याद हो गई हैं कि कौन सा सेक्शन लगा है, क्या होगा। वो आज भी रो रही थी और आज सुबह वो कह रही थी कि हाँ, इंसाफ हुआ है। अगर वो महिला ये कह रही है जो इतनी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ चुकी है, वो अगर कह रही है कि हैदराबाद में जो हुआ अगर वो दिल्ली में हो गया होता तो शायद आज हमें भी तसल्ली मिली होती। तो एक चीज होती है न्यायिक प्रक्रिया और एक चीज होती है कि दिल से क्या आवाज आती है। ठीक है, सही गलत पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस भी अपनी सफाई दे रही है, लेकिन दिल से ये आवाज आती है कि बहुत अच्छा हुआ। तो ये दिल और दिमाग के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इससे भी जूझ रहे हैं आज हम। दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कह रहा है? तो अदिति, आपका दिल क्या कह रहा है और दिमाग क्या कह रहा है? दिल और दिमाग दोनों ही ये कह रहे हैं कि आज जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। देयर इज समथिंग कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। आज जो हुआ है उन जो इसके कल्प्रिट थे उनके साथ, वो बहुत अच्छा हुआ। और मैं अपने प्रोफेशन में होते हुए ये बात कहूंगी कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार मीमांसा जो रूल बुक होती है ना, रूल बुक से जब जिंदगी चल नहीं पाती तो रूल्स को बेंड करना पड़ता है। हालांकि यहां पर पुलिस ने अपनी जो पूरी सफाई दी है उसमें पुलिस ने बताया है कि किस तरीके से ये जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस पर पहले अटैक किया और किस तरीके
से। और पुलिस की सिचुएशन समझिए मेहमान साहब, हमारे देश में 135 करोड़ की आबादी है, पुलिस फोर्स के लिए इतना मुश्किल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। यही लोग अगर अभी भाग जाते वहां से, तब आप पुलिस को कटघरे में खड़ा करते, तो आप हर तरफ से एक ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट फोर्स को ही और ज्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं। और अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो एक पूरा एक सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग है जो कानून की किताब लेकर बैठा है, लेकिन ये जो कानून की किताब है जब अपने पर आती है ना तो सारा आदमी कानून भूल जाता है। लेकिन एक वर्ग है जो कह रहा है कि आरोपियों के भी तो मानवाधिकार हैं, उसका क्या? और NHRC ने इस मामले का संज्ञान लिया है, हो सकता है आगे ये नोटिस भी जारी हो जाए जो इस तरह के केसेस में हम अधिकतर होते हुए देखते हैं। तो जीविका, ये मानवाधिकार जो कह रहे हैं कि जी मानवाधिकार तो इन लोगों के भी तो हैं, अपराधियों के भी तो हैं, ये सिर्फ पुलिस के थोड़े हैं, ये सिर्फ पीड़ित के थोड़े होते हैं, उनके लिए आप क्या कहें? ये सभी मानवाधिकार उस समय कब गए, कहाँ चले गए, वो शायद कहीं गुम हो गया आसमान में, जब उस लड़की के साथ दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप हुआ, गैंगरेप हुआ। और इतना ही नहीं, एक माइनर सी आपको डिटेल बताना चाहूँगी, जब उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसको 27 किलोमीटर दूर ले जा रहे थे, उस टाइम भी ट्रक में इन चारों आरोपियों ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया, उस टाइम उसकी हत्या हो चुकी थी। तो आप सोच सकती हैं कितनी बर्बरता से इन्होंने उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उसके मर जाने के बाद भी, और फिर 27 किलोमीटर दूर ले जाकर उसको जला दिया। उस समय ये मानवाधिकार कहाँ गए? उस समय क्यों नहीं इन मानवाधिकारों का संज्ञान लिया गया? अब क्यों लिया जा रहा है? पुलिस अगर एक्शन नहीं लेती, जैसा कि अदिति ने कहा, अगर वो भाग जाते तब भी पुलिस को कटघरे में खड़ा किया जाता। पुलिस तो सेल्फ डिफेंस कर रही थी, पुलिस पे गोलियां चलाई गई, पुलिस पे हमला किया गया, पत्थर चलाए गए, तो पुलिस तो सेल्फ डिफेंस कर रही थी। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस ने जो एक्शन लिया है, ये देश की महिलाओं के साथ, सिर्फ हैदराबाद की बेटी नहीं, देश की महिलाओं के साथ इंसाफ है। और आपने जो बात बोली कि ये मानवीय कहां है, ये दरअसल दरिंदे हैं, ये दानव हैं, और दानवों के क्या मानवाधिकार होते हैं? क्या दानवों के मानवाधिकार होते हैं? क्या सुना है आपने? बिल्कुल नहीं होते। और मैं ये आज ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो डर इस एनकाउंटर से पैदा हुआ है, वो जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू अब डर पैदा होना चाहिए। और सारी महिलाओं के हवाले से मैं ये बोलना चाहूंगी, मुझे अब उस दिन का इंतजार है जब जुल्म सितम के गोहे गिरा, जुल्म रुई की तरह उड़ जाएंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। लेकिन लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि फिर अदालतों की क्या भूमिका रह जाएगी अगर इस तरह से अपराधियों को गोली मारनी पुलिस ने शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सेल्फ डिफेंस में ये उठाई गया है, ये कदम, गोलियां चलाई गई, लेकिन उसकी भी न्यायिक जांच होगी कि किन परिस्थितियों में क्या जो पुलिस कह रही है वो सही कह रही है या गलत कह रही है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि फिर अदालतें जो है वो क्या करेंगी? क्या ये पूरा जो घटनाक्रम हमने देखा है, क्या एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन इस बात को लेकर नहीं है कि न्यायिक जो प्रक्रिया है जिसके जरिए इंसाफ मिलना चाहिए, और लोग इंतजार करते रहते हैं बरसों बरस, ये जो अदालत में जो केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं उसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा लोगों का उठ गया है, ये आपको लगता है क्या? मीमांसा जी, इससे पहले मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब जो है चालान के बारे में बात की गई, सड़क व्यवस्था की बात की गई, तो उस वक्त जो जुर्माना लगाया गया वो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। क्या इस केस में जब हमारे देश में लगातार बलात्कार की घटनाएं आती हैं, उस केस में आप तुरंत कानून क्यों नहीं बनाते? तो कहीं ना कहीं लोगों में वो गुस्सा। थोड़े से हम स्टैटिस्टिक्स जाएंगे हमें, क्योंकि ब्रेक लेना है, और सलोनी हमारे साथ हैं रिसर्च टीम से, जल्दी से वो आपको स्टैटिस्टिक्स बताएंगी क्या हाल है देश में, कितने पेंडिंग केसेस हैं अब निर्भया कांड जो कि 2012 में होता, उसके बाद कितने केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जल्दी से सलोनी जरा बताएंगी। देश में हर दिन एक घंटे में 4 रेप हो रहे हैं, यानी कि 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। आप इससे जान सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है कि लेडीज़ की जो सिक्योरिटी है वो कौन देख रहा है, वो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो पॉइंट ये है कि 2017 में 1,46,000 से ज़्यादा केसेस ट्रायल में थे, लेकिन कन्विक्शन रेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 32% है। तो उसके लिए अगर आप लॉ बनाते भी हैं तो वो, अगर लॉ बन रहा है लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, यही बोलेंगे हम। जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात होती है, अब वक्त आ गया है कि अब उसे ट्रैक पर लाना होगा, जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे, स्विफ्ट एक्शन इज नीडेड। बहुत ही ये साफ साफ संदेश है पूरे देश के लोगों का, और इस पर अब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ताल ठोक के
देखना मत भूलिएगा सीधे इंडिया गेट से आज स्पेशल एडिशन। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।